अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। चलें जी, आज हमारे किचन में बनने जा रहा है चिकन का पुलाव, जिसके लिए मैंने ये ले लिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून साबुत धनिया है, 2 टेबलस्पून ही सौंफ है, थोड़ा साबुत गरम मसाला है जिसमें काली मिर्चें हैं, लौंग है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी है और तेज़पत्ता है। साथ में हमने थोड़ी सी 2 दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइस कर ली है और 1/2 kg चिकन है। तो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने पानी बॉईल होने रख दिया था ऑलरेडी पतीली में, पानी बॉईल हो रहा है। अब मैं इसमें सारी चीज़ें ऐड करूँगी। मैं ऐड करूँगी ये सारे गरम मसाले, साथ ही मैं ऐड कर दूँगी ये प्याज, साथ ऐड करूँगी इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको उबाल आने तक पकाऊंगी। इसमें उबाल आने लगा है, अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चिकन। चिकन की यखनी ज़्यादा बेहतर बनती है जब उसमें हम हड्डी के पीसेज यूज़ करते हैं, तो जैसे गर्दन हो गए, विंग्स के पीसेज हो गए। अब इसको हम तकरीबन 3/4 तक गला लेंगे और जब तक हमारी यखनी भी अच्छी सी रेडी हो जाए। इसमें उबाल आने लगा है, अब इसकी आँच हम धीमी कर देंगे और ढक कर 3/4 गल जाने तक पकाएंगे। चिकन गल चुकी है हमारी, अब हम इसमें से सिर्फ चिकन निकाल के एक अलग प्लेट में रख लेंगे और बाकी का पुलाव आगे का रेडी करेंगे। ये मैंने दूसरी पतीली ले ली है, इसमें मैंने डाला है ऑयल, हीटअप हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून ऑलमोस्ट। जैसे ही ये खुशबू देने लगेगा फिर हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ब्राउन होने लगा है, अब हम इसमें प्याज ऐड करके ब्राउन करेंगे। तकरीबन 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। होना शुरू हो चुकी है, अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने चिकन उसमें से यखनी में से अलग की थी वो चिकन। मैंने मिक्स कर ली है, अब इस स्टेज में इसे बिल्कुल 2 ड्रॉप केवड़े के डालूंगी। ये आपके पुलाव को एक अमेजिंग फ्लेवर देगा और आपके घर में कोई आएगा तो उसको ऐसी खुशबू आएगी कि वो पुलाव की तरफ खिंचा चला आएगा। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून नमक, थोड़ा सा नमक मैं यखनी में भी डाल चुकी हूँ। यहाँ मैंने लिया है 1 कप दही तकरीबन, उसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि थोड़ा पतला हो जाए। इसको मिक्स करूँगी। दही मैंने अच्छे से फेंट लिया है, अब देखें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी पतली है। अब इसको मैं उसमें ऐड कर दूँगी चिकन में। दही ऐड कर रही हूँ, मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरह से। दही के साथ बाद अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अगेन बता भी चलूँ, ये हरी मिर्चें बहुत तेज़ नहीं हैं, ये सिर्फ खुशबू के लिए हैं। बिल्कुल जो हल्की वाली हरी मिर्चें होती हैं, मोटी वाली जो तेज़ नहीं होती, ये उनका पेस्ट बना हुआ है। इसको मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा भूनेंगे। चिकन हमारी भुन गई है, अब हम इसमें जो यखनी थी वो छान के ऐड करेंगे। यखनी मैंने ऐड कर दी है, अब इसमें उबाल आने का वेट करेंगे और फिर हम चावल डालेंगे। यखनी में उबाल आ गया है, अब मैं इसमें चावल ऐड कर रही हूँ। चावल मैंने लिए थे तकरीबन 3 कप सॉर्ट ऑफ, और उसको मैंने धो के अच्छी तरह से भिगो दिया था। चावल ऐड कर दिए हैं, उबाल आने का वेट करेंगे और फिर नमक टेस्ट करेंगे। चावलों में उबाल आ रहा है, नमक मैंने टेस्ट कर लिया है, बिल्कुल सही है। बस अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही पकाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आँच धीमी करके और दम पे कर देंगे। पानी काफ़ी कम हो गया है, बस थोड़ी ही देर में इसे दम पे करेंगे। इस स्टेज पर मैं आँच बिल्कुल धीमी करके चावलों को दम पर रख दूँगी। 5 मिनट तकरीबन दम पर रखे हुए हो गए हैं, अब मैं इसमें कलर डालूंगी। मैंने पानी में घोल के कलर रखा है, ये मैं थोड़ा थोड़ा ऐड कर दूंगी।
साथ ही मैं इसमें 4-5 हरी मिर्चें डाल रही हूँ और मैं अगेन दोबारा इसको दम पे रख दूँगी। चावलों में ऑलमोस्ट दम आ चुका है, बहुत ही कोई लजीज खुशबू उठ रही है, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। स्टेज पे हमारा पुलाव बिल्कुल तैयार है, इसको बनाएं, खाएं और मुझे दुआओं में याद रखें।